भारत सरकार राज्यों को दिशा निर्देश दे रही है। वही राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम गहलोत लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। कोरोना को लेकर आमजन कितनी जागरूक है, इसका रियलिटी चेक करने इंडिया न्यूज की टीम जयपुर के रेलवे स्टेशन पहुंची। देखिए हमारे संवाददाता बसंत पांडे की खास रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ने 23 देशों में दस्तक दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से भी राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, वहीं राजस्थान सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की। इस वक्त हम जयपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ जो है देखने को मिल रही है। हालांकि भीड़ एकजुट जरूर है, लेकिन लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, और क्योंकि आम जनता भी चाहती है कि कोरोना का खात्मा राजस्थान से हो, उसी के तहत लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक दिख रहे हैं। लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। लोग जागरूक जरूर दिख रहे हैं, मास्क का उपयोग भी किया जा रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं, करो लेकर कितने जागरूक दिख रहे हैं आप? सर जागरूक तो है, क्योंकि मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, बाकी वैक्सीनेशन भी करवा लिया है दोनों। क्या लगता है नए वेरिएंट का भय है अभी? भय तो सर देखने वाली बात है, भय तो रहेगा, और नए वेरिएंट हैं तो नई नई और चीजें भी उसमें इंक्लूड होती जा रही हैं। लेकिन यदि आप क्या कहते हैं सारी सहूलियत रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आप बचा सकते हैं। अभी पहली और दूसरी लोगों लहर में लोगों के मन में भय था, क्या लोग अब जागरूक दिख रहे हैं? बिल्कुल जागरूक दिख रहे हैं आप, ज्यादातर लोगों के चेहरे पे मास्क देख सकते हैं इस जगह पे, तो जागरूकता तो आई है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, देखिए पहली और दूसरी लहर में हालांकि लोगों के मन में भय था, लेकिन अब जिस तरह वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, वैक्सीनेशन लगाने को लेकर भी लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिली। अब चूंकि नया वेरिएंट दस्तक दे दी है, उसके बाद राजस्थान सरकार संसाधनों को दुरुस्त करने में लगी है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अस्पतालों में प्लांट भी लगा दिए गए हैं, ताकि लोग जो है अगर तीसरी लहर दस्तक देती है, क्योंकि विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के संकेत दे दिए हैं, उसके बाद विभाग लगातार अलर्ट मोड पर गया। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बैठक रखते हुए दिशा निर्देश भी दे जा रहे हैं। एक बार मैं फिर आपको तस्वीरों में दिखा दूं, मैं इस वक्त जयपुर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं, जहां कह सकते हैं कुछ हद तक लोग जागरूक भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक लोग लापरवाह भी दिख रहे हैं, क्योंकि मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है, लोग अभी भी कोरोना के से अभी भी जो है जागरूक नहीं हुए हैं। अगर ऐसी लापरवाही बढ़ती गई तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर आएगी, तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। उधर डिडवाना में दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदल गया, तापमान में ठंडक है और हवाओं की वजह